हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप दुनिया के किसी भी चीज़ को पैक करके मार्केट में लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो भी पैक हो जाता है वो बहुत ही महंगे रेटों में बिक जाता है। आपको कोई भी चीज़ अगर बहुत अच्छे से मार्केट में ले जाके बहुत ही ऊँचे दामों में बेचना है तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी आपको। इस बात का मैं आपको एक दो नहीं कई उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। और इसमें सबसे पहले उदाहरण के तौर पर ले लीजिए उन टेलीविज़न के विज्ञापनों को, जिसमें आपको मूसली से ले कर चावल से ले कर दाल से ले कर आटा से ले कर हर एक ग्रोसरीज आइटम पैकेजिंग फॉर्म में पैक करके दिया जाता है। जो गेहूं आप अपने घर में पिसवाते हो, वो गेहूं आपको अलग अलग ब्रांड के नाम पे मल्टीग्रेन और पता नहीं क्या क्या समझा के पैकेजिंग में बड़े आसानी से दुगने दामों में आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। ये काम आप भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट कम करके अपने अपने तरीके से मार्केट में जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं, बहुत थोड़े पैसे हैं, तो चाय की पत्ती का बिजनेस आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में और दुनिया को छोड़िए हमारे देश में सुबह सुबह पानी पिया जाए या ना पिया जाए, लेकिन चाय ज़रूर पिया जाता है। और चाय की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो हर तरीके से खुले से ले कर और एक किलो के पैकेट में, आधा किलो के पैकेट में, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 2 रुपये से ले कर 2000 रुपये तक की पैकिंग बेची जाती है मार्केट में। 20,000 के कट्टे बेचे जाते हैं। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो वैसा खरीदता है और मार्केट में जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको चाय की पत्ती का बिजनेस शुरू करना है और पैसे कम हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 2 मशीन अपने पास ज़रूर रखनी है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए पैक करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो ये वाला वेट मशीन और ये वाला सीलिंग मशीन, ये 2 मशीन आप ज़रूर अपने पास रखिए अगर आप लोग को पैकेजिंग के बिजनेस में आना है। तो ये 2 मशीन एकदम नेसेसरी है। और मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया है कि कैसे सिर्फ 2000 रुपये में आप लोग वेट मशीन, सीलिंग मशीन, 5 किलो रैपर लेके मसाले का कारोबार या फिर कैंडी का, जो भी आपके आसपास में लगता है कि मैं मार्केट में ये चीज़ लेके जा सकता हूँ, आप लेके जाओ। सेकंड, अगर आप लोग को जो मैं अभी समझा रहा हूँ कि चाय पत्ती का बिजनेस करना है, तो ये इस तरीके के रैपर आपको हम अवेलेबल करा देंगे। जैसे आप अपने लूज में चाय की पत्ती बेचते होगे ना, जैसे बहुत सारे कंपनीज आती हैं, कोई 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, अब तो हर एक बड़ी कंपनीज, नाम किसी का नहीं लूँगा, वो पैकेजिंग के फॉर्म में आ चुकी है। और आपको 2 रुपये की पैकिंग से लेके 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक की पैकिंग, 200 रुपये तक की पैकिंग, 1 किलो, आधा किलो की पैकिंग बहुत इजीली प्रोवाइड करा रही है। तो आप इस तरीके के पैकेट लेके, जो आप कोई आता है आपके पास 50 ग्राम चाय की पत्ती दे दो, 100 ग्राम चाय की पत्ती दे दो, आप उसको पैक करोगे या फिर वेट करोगे, थैले में भर के मोड़ के ऐसे बांध के दोगे, उससे अच्छा 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरीके का पैक करिए। अगर आपके अंदर गुदा है, कैपेबिलिटीज़ है कि मैं मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जैसे आपको कोई ऐसा टच कर देता है, बाइक लेके जाते हो तो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसको 10 गरिया गाली दोगे, मारने पर उतारू हो जाओगे, ये कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर रहता है कि कोई अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोल दे तो आप लड़ने को तैयार रहते हो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आता कि मार्केट में अगर कोई 10 बार आपको दुदकारे, फिर भी आप मार्केट में अपना सामान लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है आपका। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको ईगो सेटिस्फैक्शन चाहिए, खुद को आपको एकदम संतुष्टि दिलाना है, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करो आप लोग, और इस तरीके के रैपर्स लो जो मैं आपको दिखाता हूँ रोज़ पर। और भी बहुत सारे रैपर हैं, आप लोग कॉल करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ये रैपर उठाइए, सीलिंग मशीन, वेट मशीन, पैक करके मार्केट में जाइए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट और वीडियो में, मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दूंगा, इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे, बहुत डिले आप लोगों को नहीं करेंगे, ना ही आपको बहुत वेट कराएंगे। तो आप लोग एक बार अपने आप को परख के देखो कि आप क्या कर सकते हो। सक्सेस हुए तो आप लोग को लगेगा कि मैं इतने दिन से क्यों बैठा हुआ था, अगर सक्सेस नहीं हुए तो आप लोग को फिर निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। ये अगर करोगे तो कुछ नहीं कर रहे हो, वैसे भी बैठे हुए हो, तो समझ लो कि मैं अपने आप को एक जांच रहा हूँ कि क्या मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह।